हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, या यूं कहिए कि कभी कभी हमारे किचन में इक्का दुक्का सामान ही बचा रहता है और हम सोचते हैं चलो मार्केट जाएंगे तो लेकर आएंगे। तभी तभी कोई ना कोई मेहमान हमारे घर में जरूर आ जाते हैं और ये हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया है। अब क्या करें, है ना, ये हम औरतों की बहुत ही सामान्य समस्या लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या है ये। चलिए, इसे निजात पाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे घर में बहुत कम सामान हमारे किचन में बचा हो तब भी हम बहुत अच्छा चीज बना सकते हैं, काफी टेस्टी। और मेहमान यदि एक बार अपनी मर्जी से आए हैं तो वो बार बार आएंगे। इसके लिए यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें एक गिलास दूध डालेंगे, ये 2 से 2.5 ml दूध है इसमें, और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। मेरा दूध कच्चा था इसलिए मैंने उसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे कि एक सॉस पैन लेंगे और उसमें एक कटोरी पानी डालेंगे और एक ही कटोरी चीनी डालेंगे, यानी कि जितना पानी डालेंगे उतना ही चीनी डालेंगे, और फ्लेम जो है वो मीडियम ही कर देंगे और उसे चलाएंगे। उधर हमारा दूध भी उबल रहा है और इधर हमारी जो चाशनी भी बन रही है, चाशनी हम लोग बना रहे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पर कुटी हुई इलायची, 1/2 चम्मच मैंने कुटी हुई इलायची डाल दिया है। आपके पास ना हो तो आप या तो पाउडर भी डाल दीजिए या फिर उस इलायची को तोड़ के और इसी तरह से इसमें डाल देंगे। इधर दूध देखिए हमारा उबल रहा है और इधर हमारी चाशनी बन रही, दोनों काम फटाफट हो रहा है। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ भी पसंद आ रहा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए हमारा इधर जो चाशनी है वो उबलने लगा है। चाशनी बहुत अधिक तार वाली नहीं बनाना है, बस चाशनी ऐसे बनाना है कि वो जो तेल होता है ना, चिपचिपा तेल, यदि हम हाथ में लें तो वो चिपचिपा टाइप का होता है, यानी कि जो शहद होता है ना, शहद को हम लोग हाथ में लेते हैं तो कैसे चिपचिपा टाइप का हो जाता है, बस वैसे ही चाशनी हमें बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमारे इधर दूध हमारा जो है वो हाफ हो गया है, यानी कि 1 गिलास हमने दूध डाला था तो ये आधा उबल उबल कर हो गया है। बस यही इसी समय एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे यहाँ पर, और मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे, आराम से मिक्स करेंगे जिससे कि एक भी लम्स ना रहे इसमें। इसी तरह दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसमें भी कुटी हुई इलायची पाउडर डालेंगे और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इधर देखिए हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो रही है, उबल रही है। अब हमारा मिल्क पाउडर है ना वो मिक्स हो गया है। अब इसमें एक चम्मच चीनी डालेंगे। यहाँ पर चीनी का जो है शुगर पाउडर है वो मैंने डाला है, बहुत ही कम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हमने जो चाशनी तैयार रखी है ना उससे भी ये मीठा हो जाता है। आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर डालिए, वरना ये स्किप भी कर सकती हैं, या फिर 1/2 चम्मच आप जो है वो शुगर पाउडर ले सकती हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी इसमें डालेंगे ना तो ये जो पानी छोड़ने लगता है, मेल्ट होने लगता है, इसलिए ढीली हो गई, इसलिए इसे फिर से चलाएंगे। देखिए अब इसमें हमारी जो देखिए चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको यदि आपके पास हो तो डालिए, या आप डालना चाहें, नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कलर लाना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाला है, ये फूड कलर है, ये खाने वाला जो कलर होता है ना ये वही है। देखिए हम हाथों में इस तरह से उंगलियों में ऐसे लगाएंगे, लगाकर देखेंगे, ये चिकना होगा, चिपचिपा टाइप का होगा, जिस तरह से शहद होता है ना चिपचिपा, बस वैसा ही चाशनी हमको चाहिए, और इस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं जिससे कि ये जम जाए, और पतला भी नहीं, बस एक गाढ़ा सा हमें चाशनी तैयार कर लेना है। देखिए हमारी चाशनी हो गई, अब फ्लेम बंद कर देंगे। और इधर जो हमारा मिल्क पाउडर वाला जो बैटर है ना ये भी तैयार लगभग हो गया है। देखिए ये ठंडा हो गया है ना, तो ये काफ़ी देखो ये स्टिकी हो गया है, चिपक गया है। आपको यदि लगे कि हमारा जो बैटर है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच दूध भी डाल सकती हैं, और डालकर इसे मिक्स करके और पतला कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नारियल पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, इन सबको पीस कद्दूकस कर लिया है और बारीक बारीक काट कर इसमें मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से इसको अच्छे से चला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से चल जाए, मिक्स हो जाए एक दूसरे में, तब इसे एक तरफ रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइस ले रखी हैं, आपकी इच्छा जितना आप बनाना चाहें आप उतना ही ब्रेड लीजिए। और एक ब्रेड लेके और एक देखिए छोटा सा गिलास है मेरे पास, और इससे इसको काट देंगे।
मेरा ब्रेड छोटा था इसलिए मैंने छोटा गिलास से काटा है, जिससे कि इसका किनारा निकल जाएगा और बीच का हिस्सा हमें मिल जाएगा, बस इतना ही चाहिए। आपका ब्रेड यदि बड़ा हो तो आप बड़े गिलास से भी इसको काट सकते हैं या कटर से भी काट सकते हैं। इसी तरह से बारी बारी करके सारे के सारे जो ब्रेड है ना उसको हम काट कर एक तरफ रख लेंगे। देखिए मैंने सबको काट लिया है, जितना हमें ज़रूरत है उससे डबल चाहिए। यदि हमें 7 बनाना है तो हमें 14 स्लाइस चाहिए, और मतलब कुछ भी चाहिए तो जोड़ा में चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो चाशनी है ना इसमें सिर्फ एक बार इधर से और एक बार पलट के बस इतना ही हमें इसे डीप करना है, और कुछ नहीं, उसमें छोड़ना नहीं है, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है। बस उसको डालना है, पलटना है और निकाल लेना है। देखिए इस तरह से अब हमने जो मिल्क पाउडर वाला बना रखा था ना इसको इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। यहाँ पर एक और बात, आप यदि मिल्क पाउडर डालकर नहीं बनाना चाहते हैं और आपके पास यदि मलाई है तो आप उसमें क्या कीजिए कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर और आप उसे मिक्स करके यहाँ पर लगा सकती हैं, या फिर आप उस तरह से नहीं बनाना चाहते तो मिल्क पाउडर में मलाई मिलाकर आप इसका बीच का जो हिस्सा है वो आप तैयार कर सकते हैं, स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। अब दूसरे इसको चारों से मैंने भर दिया, अब ऊपर से भी क्या करेंगे इस तरह से उलट पलट के और ब्रेड निकाल लेंगे और निकाल कर इसके ऊपर रख देंगे। इसमें एक भी रस जो है ना बूंद, एक भी बूंद रस का बाहर नहीं आएगा। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर नारियल का जो पाउडर है ना, नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड नारियल जिसे कहते हैं, इसमें इसको डीप कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से मिला लेंगे और मिलाकर कोट कर लेंगे और कोट करके रख लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो आप, ये मेरा घर का है, मैंने इसे जो नारियल सूखा वाला नारियल होता है ना उससे पीस लिया था और मिक्सी में और पीस कर इसको इस तरह से तैयार कर लिया था। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता यहाँ पर मैंने सजाने के लिए रख दिया है, ये भी आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर सजाने के लिए इस पिस्ता को या ड्राई फ्रूट्स को रख सकती हैं या स्किप कर सकती हैं। देखिए अब हमारा जो मिठाई है ना वह कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, और खाने में तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी बनाइए, बिल्कुल भी रस इसका बाहर नहीं आया और न ही इसका रस सूखा, एकदम जूसी तैयार हुआ, यानी कि बाहर से बिल्कुल सूखा हुआ और अंदर से जूसी जूसी। इसको यदि दबा के देखा जाए तो इसमें से जो रस है वो बाहर भी नहीं निकलेगा और काफ़ी टेस्टी होता है। देखिए मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कितना ईजिली और कितना सॉफ्टली ये कट जा रहा है। एक बार फिर से कहूँगी कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।